तो दोस्तों जब बात करेंगे RRR मूवी के पहले 11 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और देखेंगे कि क्या यह मूवी 800 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करती है या नहीं। तो ऐसे इंडियन फिल्म्स के कलेक्शंस के बारे में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। RRR मूवी में हमें रामचरण, NTR और अजय देवगन लीड रोल में दिखाई दिए थे। इस मूवी को SS राजा माउली ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग मिली थी। इस मूवी का बजट 600 करोड़ रुपए है। अब बात करेंगे मूवी के कलेक्शंस के बारे में, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन यानी फ्राइडे को 133 यानी कि 133 करोड़ की कमाई की। इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 88.7 करोड़ की कमाई की और तीसरे दिन 102.3 करोड़ की कमाई की। और इसी के साथ इस मूवी के पहले हफ्ते यानी कि 7 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 477.5 यानी कि 477 करोड़ की कमाई की। अब बात करेंगे 8वें दिन, तो इस मूवी ने अपने 8वें दिन 31.7 करोड़ की कमाई की। इस मूवी ने अपने 9वें दिन 55.90 करोड़ और 10वें दिन 56.47 की कमाई की। इस मूवी ने अपने 11वें दिन यानी मंडे को 22.01 की करोड़ की कमाई इसमें अपने 11वें दिन की। और इसी के साथ इसमें के अपने पहले 11 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 644.77 यानी कि 644 करोड़ की कमाई इसमें ने अपने 11वें टोटल 11 दिन में की। और इसी के साथ इसमें ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को पार करके हिट का टैग भी लगा चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के माध्यम ने तो इस मूवी ने 800 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है और इसी के साथ इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का भी टैग लग चुका है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को कितना स्टार देंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे इंडियन फिल्म्स के कलेक्शंस के बारे में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।